हर्ष न्यूज की सारी खबरें आप तक। बहुत बहुत अभिनंदन है और आज मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि जिनके गीत में अक्सर सुना करता रहता हूँ, आज उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने का हम सबको सौभाग्य मिल रहा है। आप सब जानते हैं प्रख्यात गायिका अनुराधा पौडवाल जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही है, हम उनका स्वागत करते हैं। पिछले 50 सालों से गायन में संलग्न है, आप सब अक्सर उनके गीत सुनते रहे हैं और पिछले 35 वर्षों से भक्ति गीत में, भक्ति संगीत में आपने एक विशेष स्थान बनाया है और आज भारतीय जनता पार्टी शामिल कर रही में हो रही है। 2017 में आप सब जानते हैं आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1997 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कल्चरल एम्बेसडर के रूप में आपको मनोनीत किया और बहुत सारे पुरस्कार, बहुत सारे अवार्ड, बहुत सारे अच्छे गीत आपने गाए। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने में के टाइम पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महासचिव मुख्यालय के इंचार्ज आदरणीय अरुण सिंह जी हम लोगों के मध्य हैं, हमारे मीडिया के सह प्रभारी संजय मई जी हम लोगों के साथ हैं। सबसे पहले मैं अरुण सिंह जी से आग्रह करूंगा कि आदरणीय अनुराधा पौडवाल जी को पार्टी की ओर से मुझे बहुत ही विनम्रता पूर्वक खुशी भी मिल रही है कि मैं आज उन लोगों को ज्वाइन कर रही हूँ, उस गवर्नमेंट को ज्वाइन कर रही हूँ जिनका सनातन से इतना गहरा नाता है और जिसे मैं खुद 35 साल से मैंने फिल्म इंडस्ट्री को उसमें गाने के बाद फिर मैंने सिर्फ डिवोशनल मैंने गाया है, आप सभी लोग जानते हैं। और कई बार मेरे मन में ऐसे होता था कि जो मैंने किया सही किया नहीं किया, लेकिन अब जब मैंने देखा कि जिस वक्त जिस भाई साहब ने कहा कि सुबह शाम 35 साल से गंगा जी की कृपा से वहाँ आरती चलती रहती है और एक मेरुमणि जिसे कह सकते हैं वो जिस वक्त रामलला की स्थापना हुई उस वक्त मुझे वहाँ 5 मिनट गाने का मौका मिला जो कि मेरा लाइफ लॉन्ग सपना था, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं सही जगह पे हूँ और ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मैं आप लोगों को ज्वाइन कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।